प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जहां 5G तक पहुंच गई हैं, BSNL अभी तक 4G भी लॉन्च नहीं कर पाया है। कभी टेलीकॉम सेक्टर में BSNL का दबदबा हुआ करता था, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से BSNL लगातार पिछड़ रहा है। जियो और एयरटेल दोनों ही अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर चुकी है और इनका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। BSNL अभी भी 3G नेटवर्क पर काम कर रहा है। अब BSNL 4G सर्विस की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी में है। जल्द ही BSNL अपनी 4G सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। BSNL ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है जो इसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की जानकारी देती है। कंपनी ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 4G सर्विस लॉन्च की जानकारी दी है। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने BSNL इंडिया को टैग करके 4G लॉन्च की टाइमलाइन पूछी, जिस पर BSNL ने रिप्लाई किया है। BSNL ने बताया कि 4G लॉन्च की ठीक तारीख बता पाना मुश्किल है। BSNL को 4G लाइसेंस रिवाइवल पैकेज मिला है और स्वदेशी इक्विपमेंट की सप्लाई भी हो रही है। उम्मीद है कि इनका इंस्टॉलेशन फरवरी मार्च 2023 में शुरू होगा। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कई मौकों पर BSNL 4G लॉन्च की बात कही है। उन्होंने बताया है कि BSNL 4G लॉन्च अगले साल की शुरुआत में होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि BSNL 4G सर्विस 15 अगस्त 2022 को लॉन्च होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BSNL के रिवाइवल के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उम्मीद है कि 4G के बाद कंपनी जल्द 5G सर्विस भी लॉन्च करेगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।